बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी होम्योपैथी मेडिसिन काली सल्फ के बारे में, यानी कि काली सल्फ का आपको कैसे लोग इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और किन किन बीमारियों में उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है जिसके इस्तेमाल से आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो जी व्यूअर्स, मैं डॉक्टर खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अली होम्यो क्लिनिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप लोगों तक आसानी तौर पर पहुँच है। जी व्यूज़, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है कि आज की हमारी वीडियो जो है वो काली सल्फ के बारे में है, यानी कि काली सल्फ के इस्तेमाल के बारे में है और किन किन बीमारियों में इसको इस्तेमाल करके आप लोग बेहतरीन फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जी व्यूज़, जो काली सल्फ मेडिसिन है उसमें पोटाशियम और सल्फेट मौजूद होता है, इसके अंदर काफ़ी मकदार में पाया जाता है, जो जिन जिन बीमारियों में इस्तेमाल होता है वो बीमारियों में आप लोगों को तफसील से बताते हैं। तो ये काली सल्फ बहुत ज़्यादा असर करती है, वो है खारिश, यानी कि अगर आपके लोगों के जिस्म पर फोड़े फिंसियाँ बन गए हैं, दाने बन गए हैं या बहुत ज़्यादा खारिश होती है या एक्जिमा बन गया है तो उसमें जो काली सल्फ मेडिसिन है उसके इस्तेमाल से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आप लोग काली सल्फ इस्तेमाल करके उसको काफ़ी लोग इस्तेमाल करने से काफ़ी फ़ायदा हासिल हो जाता है और काफ़ी जल्दी बेहतरी आना शुरू हो जाती है। जिनको खारिश होती है या फोड़े फिंसियाँ बन जाते हैं या दाने बन जाते हैं या खारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनके लिए ये काली सल्फ मेडिसिन जो है वो बहुत ही अच्छा असर रखती है, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। तो जी व्यूज़, इसके साथ साथ जो काली सल्फ मेडिसिन है उसके दूसरा इस्तेमाल जो है वो है नज़ला, ज़ुकाम और बलगमी खांसी के लिए, यानी अगर आप लोगों को नज़ला, ज़ुकाम और केरा आता है तो उसके लिए भी ये काली सल्फ मेडिसिन है उसका भी इस्तेमाल काफ़ी ज़रूरी है और बहुत अच्छा मेडिसिन है। यानी कि अगर आप लोगों को नज़ला, ज़ुकाम आता है और खांसी और बलगम के साथ साथ पीले कलर का ज़ुकाम आता है, यानी कि बिल्कुल येलो आता है, तो उसके लिए भी जो काली सल्फ मेडिसिन है वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है और अच्छा रिजल्ट रखती है और अच्छा काम करती है। तो जी व्यूअर्स, इसकी जो इस्तेमाल हैं काली सल्फ मेडिसिन, आपने 10-10 ड्राप सुबह, दोपहर, शाम एक घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह केरा, नज़ला, ज़ुकाम और बलगमी खांसी जो है पीले रंग की वो काफ़ी बेहतर हो जाती है और जल्द अच्छा रिजल्ट देती है, बेहतरीन काम करती है। तो जी, इसके साथ साथ जो काली सल्फ मेडिसिन है वो आप लोग सिकरी, यानी कि अगर आपके बालों में सिकरी है, खुश्की वगैरह आ गई है, तो उसके लिए भी जो काली सल्फ मेडिसिन है वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रखती है, काफ़ी अच्छा काम करती है। यानी कि अगर आप लोगों के सिर में खुश्की बन गई है, सिकरी बन गई है और इसके साथ साथ आपके सर में खारिश वगैरह भी होती है, तो उसके लिए भी ये जो काली सल्फ मेडिसिन है बहुत अच्छा काम करती है और बेहतरीन रिजल्ट रखती है। काली सल्फ मेडिसिन जो है खुश्की सिकरी के लिए भी आपने 10-10 ड्राप सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करने हैं, एक घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं। अगर आप ये मेडिसिन बायोकेमिक में इस्तेमाल करेंगे तो 4-4 टेबलेट सुबह, दोपहर, शाम, एक सुबह, दोपहर, शाम 4-4 टेबलेट इस्तेमाल करनी है। ये बायोकेमिक में मिल जाती है और होम्योपैथ में मिल जाती है, ये दोनों में मिल जाती है। तो आप लोग, अगर आप लोगों में खारिश, फोड़े फिंसियाँ वगैरह हैं और फोड़े फिंसियों में पीले रंग की मादा मवाद बन जाता है, तो उसके लिए ये काली सल्फ मेडिसिन जो है वो भी आपने 4-4 टेबलेट सुबह, दोपहर, शाम लेनी है पानी के साथ। अगर आप लोगों को खारिश है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है। केरा है, नज़ला है, ज़ुकाम है, उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा काम करती है, बेहतरीन रिजल्ट रखती है और बहुत अच्छा रिजल्ट रखती है और जल्द काम करती है। तो इसके साथ साथ अगर खुश्की है, सिकरी है, आपके बालों में खुश्की बन गई है, सिकरी बन गई है और खारिश होती है, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छा काम करती है, बेहतरीन रिजल्ट रखती है और बहुत जल्द असर करती है। तो जी व्यूअर्स, ये जो मेडिसिन और ये अलामत जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, अगर आप लोगों में ये अलामत पाई जाती हैं और ये अलामत अगर आप लोगों में मौजूद हैं तो आप काली सल्फ का इस्तेमाल करके बहुत जल्द बेहतरी और बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।